जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडो लाडली, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी में फर्स्ट चॉइस को लेकर है। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, हमने जो अभी एसएससी जीडी में किसी के बोल रहा है 170 नंबर, 140 नंबर है, 120 नंबर है, 125 नंबर है, किसी के मान लो 100 से कम नंबर है, और वो फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया है और उसको लगता है कि उसका सिलेक्शन होगा, तो बच्चे पूछ रहे सर हमको फर्स्ट चॉइस किस आधार पर मिलेगी। एसएससी जीडी में आप सभी को पता लगभग 8 से 9 वैकेंसियां हैं अलग अलग, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसएफ, एनआईए, असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी, इसी प्रकार और एक एनसीबी। तो इनमें से फर्स्ट चॉइस के आधार पे मिलेगी, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये आता है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि जब फॉर्म भरा था ना, तब मित्र वाले को या रोजगार सेंटर वाले को बोल दिया भाई अपने हिसाब से भर देना। अब उसने अपने हिसाब से भर दिया, अब उनके नंबर आ गए हैं बहुत अच्छे और उनको पता है कि हमने जो फर्स्ट चॉइस दी है वो हमको मिल जाएगी। अब उन्होंने मान लो गलती से फर्स्ट चॉइस गलत दे दी है, तो क्या चेंज हो सकती है या नहीं? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बार आपने जब फॉर्म भरा था और उसमें जो भी आपने फर्स्ट चॉइस दी है वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब चेंज किस कंडीशन में हो सकती है? देखिए, फर्स्ट चॉइस आपको किस आधार पर मिलते हैं, इसके 2 से 3 नियम है। पहला नियम, अंकों के आधार पर। यानी अगर मान के चलिए आपके 160 में से 140 नंबर है, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे नंबर है, टॉप के नंबर है। अब आपने मान लीजिए जो फर्स्ट चॉइस दी है उसकी कट ऑफ 140 से नीचे रहती है, तो आपको 100% वही मिलेगी। अब अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट चॉइस दी थी एसएसएफ और एसएसएफ की जो मेरिट गई वो 141 से ली गई और आपके नंबर कितने हैं 140, तो फिर आपको कौन सी मिलेगी? फिर आपको मिलेगी इनमें से जिसमें रिक्त पद होगा, यानी जिसमें खाली होगा। ये नहीं कि आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। अगर मान के चलिए सीआरपीएफ की कट ऑफ गई 140 या 130 गई मान के चलिए, और 130 नंबर वाले किसी बच्चे ने फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ दे रखी है, तो पहले उसको मिलेगी ना कि आपको, समझ गए बात को? यानी जिसकी जितनी कट ऑफ गई है, मान के चलिए अगर हम मान के चलिए एआर की मान लीजिए सबसे कम गई 108 नंबर पर गई, जबकि आपके 140 नंबर है, तो एआर पहले 108 वाले को मिलेगी क्योंकि उसने फर्स्ट चॉइस दी है। आपको 140 नंबर होते हुए अगर आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है तो फिर आपको वो मिलेगी जिनमें इनमें से रिक्त है, यानी जिसमें पद खाली हो रहे हैं उसमें आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, एक तो अंकों के आधार पे, दूसरा पोस्ट के आधार पे। अभी इस बार क्या हुआ था कि सीआईएसएफ की पोस्ट क्या हुआ था, सीआईएसएफ की जो पोस्ट है ना लास्ट में इंक्रीज हुई थी। पहले सीआईएसएफ की पोस्ट थी 0, लास्ट में लगभग 5000 पोस्ट सीआईएसएफ की आ गई। अब इसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चों ने सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस डाला ही नहीं, तो इस बार कम नंबर वाले बच्चे को भी सीआईएसएफ मिल जाएगी क्योंकि उसकी बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट चॉइस इसको नहीं डाला, सेकेंड या थर्ड या फाइनल डाला। लास्ट में 3-4 दिन बाद में ये पोस्ट का पता चला, तो 3-4 दिन में जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं अगर उनके अच्छे नंबर होंगे तो 100% उनका सीआईएसएफ मिल जाएगी। ये फिक्स है नियम, ठीक है, पोस्ट के आधार पर। यानी जितनी पोस्ट है उतने बच्चों ने अगर प्रायोरिटी डाली है। अब ये मान के चलिए कि सीआईएसएफ मान के चलिए जो सिलेक्शन होते हैं उनमें से 5000 बच्चे सीआईएसएफ के मिलते ही नहीं है, मान लीजिए सिलेक्शन वाले में से 3000 बच्चे सीआईएसएफ के मिले, तो बस कितनी गई पोस्ट है 2000। ये 2000 किसको मिलेगी? ये 2000 उनको मिलेगी जिनकी फर्स्ट चॉइस, जैसे मान लीजिए किसी की एसएसएफ थी जबकि उसके नंबर कम है तो उसको सीआईएसएफ में डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही सभी में मान के चलिए बीएसएफ में 1000 पोस्ट रह गई है जिन्होंने फर्स्ट चॉइस दी उसके अलावा, तो फिर ये पोस्ट किसको मिलेगी? इनमें से जिसने फर्स्ट चॉइस दी थी उसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, तो उसको इनमें से कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। इस प्रकार से मिलती है फर्स्ट चॉइस और ये चेंज नहीं होगी। अब जो हो गई सो हो गई फाइनल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।